आजी नावाज टीवी जो प्रोग्राम द आवाज शो में भली कार माया तां जी मेजबान आई जी त हर रोज माता जी मुलाकात कराईंदी आ मुख्तलिफ मेहमान सा ए इन खा अलावा जी त डे थोड़ी पडे में दिसण वारन के दिल जी कहराइन सब भली कार जी ए अज सोचो मु कोई टॉपिक डिस्कस करजे त आज जो टॉपिक डाडो सुठो ए डाडो अहम भी आ है छो तो जैसे भी तुम बाहर निकरंदा तो तुम इर्द गिर्द जी शूं नजर इंदियन तो तक यकीन उन्होंने का न का शे क्लिक यानी मैं ये चवान कि कोई लेसन मिली वो सबक मिली वो है त जी अॼु वाकई में मां जॾहिं ॿाहिरि निकितसि त मूंखे हिकिड़ी शइ नज़र आई आहे ऐं ॾाढी तकलीफ़ बि थी हिन शइ जी जीअं मां हमेशह चवंदी आहियां की जॾहिं बि का अहिड़ी शइ मां ॾिसंदी आहियां जेका नाख़ुशगवार हूंदी आहे त यकीन मूंखे इलाही तकलीफ़ बि थींदी आहे की जॾहिं तव्हां घर खां ॿाहिरि निकिरंदा आहियो जॾहिं तव्हां घर में मौजूदु हूंदा आहियो त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जॾहिं तव्हां घर में मौजूदु हूंदा आहियो त बिल्कुलु पंहिंजे घर खे साफ़ु सुथिरो रखंदा आहियो ऐं इन खां अलावा कोशिशि कंदा आहियो की जीअं असांजे घर में ख़ुशबू हुजे ऐं असांजे घर में स्मेल न हुजे ऐं पंहिंजो घर जेको आहे प्योर तरीक़े सां साफ़ु हुजे कोई भी प्रॉब्लम न हुजेसि त असां इहो सभु कुझु जेको आहे सो पंहिंजी सोसाइटी जे लाइ छो न आहियूं सोचींदा या जेके असांजे घर जूं घिटियूं हूंदियूं उन्हनि जे बारे में छो न आहियूं सोचींदा हालांकि जॾहिं तव्हां पंहिंजे घर खां ॿाहिरि निकिरंदा आहियो उन घिटीअ मां तव्हां गुज़रंदा आहियो उहा ई सोसाइटी जेका तव्हांजे इर्द गिर्द हूंदी आहे तव्हां उन्हनि जो ख़्यालु न रखंदा आहियो सिर्फ़ु शायदि इन जे करे जो उन सां तव्हांजो कोई कंसर्न न हूंदो आहे तव्हां उन सां रिलेटिड न आहियो हूंदा पर लेकिन हक़ीक़त में असां बि उन्हनि सां ई जेका असां रिलेटिड आहियूं ऐं असांखे ई सभु कुझु बहितरु करणु ज़रूरत आहे इन जे करे जो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे की अगरि तव्हां पंहिंजे घर खे साफ़ु सुथिरो रखो था लेकिन जॾहिं तव्हां ॿाहिरि निकिरो था तव्हांजी घिटी आहे या इन खां अलावा तव्हांजी सोसाइटी आहे अगरि तव्हां पंहिंजे घर खे मेंटेन करे सघो था त यार तव्हां पंहिंजी घर घिटीअ खे या इवन जेको तव्हांजे इर्द गिर्द माहौल आहे उनखे बि ठाहे सघो था छो त सभु कुझु तव्हांजे पंहिंजे हथ में हूंदो आहे कॾहिं कॾहिं असां इहो सोचंदा आहियूं की यार असां इहो सभु कुझु छो कयो असां हिन जा ज़िमेदार न आहियूं लेकिन हक़ीक़त ॻाल्हि इहा आहे त असां अगरि हिन मुआशरे में रहूं था त असांजे मथां बि इहो हक़ आहे की असां उहे सभु शयूं मेंटेन कयूं छो त असां ई उन मुआशरे में रहूं था ऐं इहे सभु शयूं असां ई कयूं था जीअं खोड़ सारे शोज़ में खोड़ सारे असांजे महिमाननि ॾाढियूं सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं कयूं की जी असां फला कंट्री में वेंदा आहियूं त उते कचरो न आहियूं उछलंदा उते डस्टबिन जो ख़्यालु कंदा आहियूं की जी कचरो खणी डस्टबिन में विझूं त उते अगरि तव्हां माहौल ॾिसंदो त उते माहौल जेको आहे उहो बिल्कुलु ई साफ़ु सुथिरो आहे त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे तव्हां बि कोशिशि कयो तव्हांजो बि मुल्क पाकिस्तान ईअं थिए बहितर खां बहितर ऐं सुठे खां सुठो थिए ऐं ॾाढी सुठी ॻाल्हि सां गॾु असां सां गॾु कॉल मौजूदु आहे वठूं था कॉल जी हलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी कहिड़े किथां कॉल कई आहे जी छा चवणु चाहींदो केरु पई ॻाल्हाए पहिरियां मां नालो त ॿुधायो ताकी मां उन नाले सां तव्हां सां मुखातिब थिया मां मानूर महार थी ॻाल्हायां तव्हांजी आवाज़ बिल्कुलु स्लो पई अचे जी जी मां महार आहियां मानूर जी छा चवणु चाहींदो जी तव्हांजो शो ॾिसंदा आहियूं छा वॾी महिरबानी तव्हांजी असल में अॼु मां टॉपिक रखियो की जी सफ़ाई तव्हां घर पंहिंजो घर केतिरो साफ़ रखंदा आहियो ठीकु आहे त जिते घिटियुनि वग़ैरह में गंद पियो हूंदो आहे त उनजे लाइ छा चवंदो त असांजो ई हक़ आहे असां ई बहितर करे सघूं था न जेकॾहिं असां चाहियूं त उन्हनि खे साफ़ सुथिरो करे सघूं था न जी जी उहो भाॼी सही ॻाल्हि आहे घर ज़ाहिर पंहिंजो आहे मोहलो पंहिंजो आहे साफ़ कंदासीं त जेतिरी सफ़ाई हूंदी ओतिरो सुठो रहंदो बिल्कुलु हक़ीक़त आहे त बिल्कुलु अॼु जो जेको टॉपिक आहे उहो इन जे करे ई मैसेज आहे की जी पंहिंजे इर्द गिर्द माहौल खे साफ़ रखो ऐं जेका सो ख़ुशगवार बणायो अच्छा कुझु ॿुधाइणु पसंदि कंदो जी मुंहिंजे अबू जो कलाम लिखियलु आहे उहो ॿुधाईंदमि मां जी ज़रूरु ॿुधायो हो जीअरे जानी नथो अची मोए आए त छा थी पियो हो लटे वञनि जॾहिं लाश का हो पुठियां रुने त पोइ छा थी पियो आहे जीअर जानी नथो अची हो चुन माणियूं पयूं थकी ईंदे सॼण अलविदा चवा हो गुज़रियो जनाज़ो तुंहिंजी घिटीअ मां दुखी दर तां ॾिठई त पोइ छा थी पियो है जीअरे जानी नथो अची हो धकनि चयो बचणो न वा ओ धक विछोड़े जो अथसि लॻल ओ मुंहिंजे मोए खां पोइ जानी होवे सकारा कयई त पोइ छा थी पियो है जीअरे जानी नथो अची हो मार सूणा स्वामी हवाले मिट अज़ीज़ वञनि करे
ओ वदी समझ रो कबर मतांजे मातम कयई तपो छाती पियो है जियरे जानी न तो अची दाडू खुजस सॉन्ग कलामा आई यो मुंजो रिक्वेस्ट आ ता ता त मना आसा मुंजो अबू बहन शौक त अगर जो ता पानी शो जो एड्रेस दियो ता साची सगम जी ढो खूबसूरत सॉन्ग है पर इनमें नाउमीदी कोई खैर नाउमीदी करण न घुर्ज सुठे सुठे तरीके से लाइफ गुजारण घुर्ज खुश खुश तो जैसे भी मुझे शो में कॉल किया काइंडली मुझे यह रिक्वेस्ट है तीन आवाज में कोई खुशगवार सॉन्ग हुए जो जोली सॉन्ग जी थैंक यू सो मच वही कॉल करी जी अज जो टॉपिक जी मैं डिस्कस कर रही हूँ सभी तो वाकई हकीकत गाल है कि अस जैसे घर के बारे में सोचा कि जी असो घर तमाम खूबसूरत हुए असि घर में हर शे मौजूद हो तो बिल्कुल जैसे अस यो सोचा कि असो जो इर्द गिर्द जो माहौल आ असो घिटियों या इन अलावा असि इर्द गिर्द जी बी शौजूद आन अस उन्होंने साफ रखू उन में खास तौर से जी अजकल मैं ग्रीनरी की गाल क्या अजकल जो वण वगैरह उ तमाम घना पोते हल्या वह उनके कट कटण के बावजूद घनी तमाम घनी पोल्यूशन थी वन तो कोशिश करें मूँ वण पोखे पेंे इर्द गिर्द दुका सो जैसे वण जाहिर गाल वा थन्दा तो उन्होंने जी एक ऑक्सीजन होंगी इंसान के मिली मिली इन अलावा वो साफ सुथरो खूबसूरत लगन तो जैसे असो पान में यो सिर्फ सोचे रहा कि जी अस ना करो असि जिम्मेदारी को या जी फला मू कवन अस यो सोचा कि यार जी गवर्नमेंट की या इन अलावा यो चवान कि जी चंदा कि जी असा जिन के वोट दिनों वो सब कुछ कह जी बिल्कुल वो सब कुछ कह लेकिन असा के ही बेहतर करो असा के ही सब कुछ करो इन करे जो हर शे या जिम्मेदार अस पा आयो अगर अस कोशिश कहे बेहतर का बेहतर पाकिस्तान बनाने जो तो बेहतर का बेहतर पाकिस्तान बनो तो सिर्फ आसरे से न हलो हमेशा उम्मीद रखे कि जी उम्मीद है तो तमाम घो बेहतर उम्मीद है तो इनशाला चवंदा न कि जी रात थी तो सुबह भी थी तो बिल्कुल जैसे रात थी तो वो सुबह भी थी उन सुबह की जो शुरुआत अड़ी थे घुर्जे जो मानू सोचे कि जी सुबह की शुरुआत तमाम बेहतरीन थे तो सजो दी बेहतरीन गुजरन तो हफ्ते की शुरुआत ढी सुठे टॉपिक से थी है असा मेहमान भी हूँ मेहमान भी असें जॉइन कदा पर जी अज जो मैसेज भी तमाम घो अहम हो इन अलावा उन्होंने सभी के जरूर चवन चाहम जी तो रिसेंटली न्यूज़ डिठी है न्यूज़ में ढो अफसोस भी थो कि असा जो बार जी असार स्कूल वही रहा हूँ उन बैग्स एतरा तो हैवी हूँ जो उन बैग पेन रो है सो काइंडली थोड़ो उन मथा ध्यान दियो जी एक डॉक्टर एप्लीकेशन भी लिखी है सभी के स्कूल्स के टेक्स्ट बोर्ड वन के जी बार ख्याल कर बुक्स वगैरह उड़ा डाउन कर ताकि उनके ये सजो पेन वगैरह न थे तो असा गड भी कॉल मौजूद है वा भी कॉल जी हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी कह रहे किता कॉल किया मक्तियार जो बना रहे बदर का जो जी छा चवन चाहिंदो हेलो हेलो लगे तो कॉल डिस्कनेक्ट थी वही जी थैंक यू सो मच कॉल करने लाइ वरी मेहरबानी आए जी तो मैं गाल कर रही हूँ जी बुक्स के हवाले से अच्छा बारन जो ख्याल रखो छो तो बारन के हिंसर थोड़ा हेडेक भी इन अलावा बैक पेन भी छो तो बैग्स उन एतरा सारा हैवी हूँ एतरा हैवी हूँ जो वेचारा जाहरी गाल जैसे स्कूल जो बैग खड़ा तो उनके बैक पेन भी खास तौर से मथे जो सूर जो पे दौर में अगर मैं पे वे दौर की गाल क्या तो तें वक्त में मथे जो सूर हो कें खबर ही न होंगी पर अज नंढे का नंढो बार भी शिकायत कह जी मुझे मथे में सूर आ सो मुखे बैक पेन थी रो है तो ये सब शूँ अगर तक मद्देनजर रखो खास तौर से उन माओन के चवंदम जिनका बार जो सो अर्ली मतलब बेसिक इब्तदाई पैं तलीम हासिल कर रहा जी उन खास तौर से ख्याल रखो इन कर जो उनको अना स्टार्ट आए जिन वक्त का वी उ कमजोर थी तो यकीन उसे अगत तो उनके ये जो कमियों कोतायू ये उनके अना मुश्किल जी पैदा कद खैर जो उन सभी के रिक्वेस्ट है कि जी पैं बार ख्याल रखो खास तौर से उनकी गिजा में उनको ख्याल रखो उनके उठन वेहन में उनको ख्याल रखो इवन वे एक्टिविटीज कर रहा उनके हवाले से ख्याल रखो स्टडी से गडो गड उनके बी एक्टिविटीज उन्होंने भी ध्यान दियो फॉर एग्जाम्पल जी अगर क्रिकेट खेल पसंद कर तो जी उनके क्रिकेट खेडन दिनों अगर फुटबॉल खेली रहा है तो फुटबॉल खेडन जी अस कॉल भी मौजूद वा कॉल जी हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी कह रहे हैं कि कॉल किया
अब्दुल करीम खोसो नसरपुर खां मुझे तांजी आवाज बिल्कुल स्लो भी अच्छे पर है मेहरबानी एक दफो बीहर बुदाइंदा के ता किता कह रहे किता कॉल किया अब्दुल करीम खोसो नसरपुर खां ताकि भली कार चो ता पने प्रोग्राम में छा चवन चाहिदो जे ता अज जो टॉपिक मु रखियो है सफाई जे हवाले सा उन जे हवाले सा ता छा चवंदो जी असन के कलाम बुधरायो ताकि कलाम बुधरायो आओ जी ठीक है केड़ो कलाम बुधन पसंद करदो ता आदा याद आ जा मुके याद आ ठीक है थैंक यू सो मच कॉल कर जले बड़ी मेहरबानी अच्छा जी यानी ये सॉन्ग बुधड़ो के सॉन्ग जरूर बुधराई ना से तो ऐसा था यकीन मेहमान भी हुंदा मेहमान सा भी कचरी करना पर जे टॉपिक जे हवाले से मगल है रही तो जी जे मा गाल कही के उनन मान के खास तौर ते उनन जी स्टडी खा वठी उनन जी एक्टिविटीज से भी ध्यान देन गुजे तो उनन के चकने का शे पसंद आए इवन कोर्स आ रहा जे के छोकरा ने सा जो बॉयज आए न उनन के क्रिकेट खेलन तमाम घणो पसंद हुंदो आ टेनिस खेलन तमाम घणो पसंद हुंदो आ इवन फुटबॉल खेलन तमाम घणो पसंद हुंदो आ तो जी अगर जे के ता उनन जी मन पसंद एक्टिविटीज में उनन के ध्यान दे रहिंदो स्पोर्ट्स भी तमाम घणो जरूरी है स्टडी सा अगर स्पोर्ट्स हुजे ता अने वधिक बेहतर आ है स्पोर्ट्स जे बार खेलन तो आ तो यकीन उनन जी फुल एक्सरसाइज थी एक्टिविटी पसंद गेम में उनके वधिक शौक हुए तो वो खेले ताकि उनकी बाकायदा किस्म की एक्सरसाइज भी थी वे मोरल उनकी एक्टिविटीज में भी जो वो हिस्सो बढ़ी सके टाइम से ब्रेक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वेलकम बैक नाजीन जी दावन है माउंटेन ड्यू जी टपाल मेजबान चाय भली करे आया इन के अलावा मेरे देश का बिस्किट गाला मुझे फेवरेट बिस्किट आए बिल्कुल है डाडो जबरदस्त बिस्किट भी आए वैसे मेहमान जो है मेहमान जॉइन किया है मेहमान से गलाइंदे इन के अलावा जो टॉपिक जो है जो सफाई के हवाले से कॉल के जरिए तलाए सोता बिल्कुल जी थोड़ी देर पैर जॉइन थे तो अज रिजवाना उस्मान मौजूद है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जो तारुफ यो कराया कि माशाला मुझी जब फ्रेंड आ बाकी सभी से यो कि माशाला जो तमाम बेहतरीन एक्ट्रेस भी रही चुकी हैं मुझे ख्याल से होस्टिंग जो शौक भी है प्रोड्यूसर भी रही चुकी हैं माशाला मुख्तलिफ प्रोडक्शंस में तमाम बेहतरीन कम कर रहे हैं प्लस मॉडल भी हैं माशाला अच्छा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देखिए ये एक फायदा होता है एक बेनिफिट होता है एक फ्रेंड जब दूसरी फ्रेंड के शो में आती है ना तो ये तो बेनिफिट बनता है यार इसीलिए तो मैं आई मुझे पता है यहाँ पे ज्यादा अच्छा इंट्रोडक्शन हो सकता है बिल्कुल हकीकत बात है अच्छा रिजाना आप कब से एक्टिंग कर रही है मुझे हो गए कोई 5 साल अच्छा माशाल्लाह 5 से 6 साल अच्छा जब स्टार्टिंग में स्क्रीन पे आई तब कैसा लगा था आपको अच्छा लगा था वैसे तो मैं बचपन से ही एक्टिंग कर रही हूँ अरे वाह वो कैसे घर में जैसे एक्टिंग ये गलत बात है और घर में भी एक्टिंग मतलब घर में तो एक्टिंग नहीं करनी चाहिए ना होती है ना जब मम्मी से कोई चीज चाहिए होती थी अब्बू से चाहिए होती थी घर में जिस तरह होते हैं वो फुल एक्टिंग वो तो बचपन से ही एक्ट्रेस तो हूँ मैं ये तो है इसमें कोई शक नहीं लगता और माशाल्लाह एक्सप्रेशन भी अच्छे है फेस भी अच्छा है तो वैसे ही बंदा एक्टर बन जाता है ना ये तो हकीकत बात है वैसे कैमरा को फेस करना कितना मुश्किल है आपके लिए पहले जब स्टार्ट था उस वक्त तो बहुत मुश्किल था मुझे ऐसा लगा था कि मैं बस जाते ही पता नहीं क्या हो जाएगा मुझे काम आ जाएगा ये वो अच्छा फर्स्ट टाइम जब मैंने कैमरा फेस किया डायरेक्टर बोल रहा इधर देखो मैंने कहा जब मतलब जो एक्ट्रेस है वो एक्टर सामने बैठे मैं इधर क्यों देखूं क्योंकि कैमरा इस साइड पे होता था तो ये हुआ फर्स्ट टाइम बहुत प्रॉब्लम हुई लेकिन फिर माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि कॉन्फिडेंस आ चुका है ना और हकीकत बात है आप काम करते रहे हाँ। तो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है अच्छा कितनी मुश्किल लगी आपको जब आप कैमरा पे आई और आपने एक्टिंग की तो आपको क्या लगा कि मैं इसको कंटिन्यू रख सकती हूँ आपने कहा नहीं जी मैं नहीं करूंगी इसको कंटिन्यू नहीं मेरा मैंने हाँ थोड़ा सा हुआ था कि बस क्योंकि डांट पड़ी थी फर्स्ट टाइम वो तो पड़ती है वो पड़ती है बिल्कुल वो पड़ी थी तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करना फिर ये है कि फिर मेरी सिस्टर की बहुत सपोर्ट रही जो मुझसे बड़ी है रानी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि नहीं अच्छा है करो फिर उसके बाद करते करते फिर डांट की भी आदत हो गई डांट की आदत हो गई मतलब थोड़ी बहुत जो गलतियां करती थी आप मतलब वो अच्छा जब पहली डांट पड़ी थी तब रोई थी आप नहीं हाँ कितना रोई थी
बहुत रोई थी। अच्छा उस वक्त भी रोई थी लेकिन उसके अलावा अब भी ऐसा होता है, ऐसा थोड़ी कि अब भाई आर्टिस्ट हूँ प्रॉपर, ये इंसान तो सीखता रहता है जाहिर है, प्रॉपर तो कभी भी कोई टैलेंट नहीं आप में आ सकता। बिल्कुल। तो ये हुआ कि अभी भी पिछले दिनों एक सीरियल कह रही थी उसमें डांट मुझे पड़ी ना, तो वही मैं जाके मेरा माइक जैसे लगा हुआ है उस वक्त भी लगा हुआ था, मैं गई तो मैंने ना डायरेक्टर से मैंने कहा सर 5 मिनट दें, मैं गई दूसरे रूम में, वहां जाके मैंने खूब बुराई की डायरेक्टर की, मुझे पता ही नहीं था कि माइक लग गया। यही होता है बहन, जब आप किसी की बुराइयां करते हैं ना तो अल्लाह पाक आपसे हिसाब जरूर लेते हैं कि जी आपने उसकी बुराइयां की हैं, ठीक है। फिर 5 मिनट बाद में वापस से मैंने कहा सर रेडी, मैंने सब सुनाया, सब सुन लिया। फिर क्या रिएक्ट था? उन्होंने कहा मैं इसको निकाल लेता हूँ अभी इस ड्रामे से। उसके बाद भी पोलाइट हो गए ना कि रो के भी आई है तो इसके दिल को लगी बात, फिर पोलाइट हो गए। अच्छा रोने में फेस अच्छा लगता है अपना? हाँ मुझे बड़ा मजा आता है रोने वाले सीन वैसे करने में मजा आता है, लेकिन उसके अलावा मुझे जो ज्यादा वो लोग कहते हैं कि नेगेटिव ज्यादा मुझ पे सूट करते हैं कैरेक्टर्स, लेकिन मैं बहुत नेगेटिव नहीं हूँ। नेगेटिव जब करती हूँ तो लोग बोलते हैं कि आपने वो कैरेक्टर किया तो मुझे बहुत बुरी लगी थी। हाँ तो रियल में तो आप ऐसी नहीं है, रियल में तो आप उसके बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। अच्छा लोग कैसे सोचते हैं, कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई नेगेटिव ऐसा कैरेक्टर किया हो और आप कभी मार्केट में गई और आप आपकी लड़ाई हो गई हो किसी से, कोई आके आपसे बोले कि जी आपने फला जो कैरेक्टर किया था आपने उसमें बहुत बुरा किया था और आप अच्छी नहीं है, ये ऐसा कभी हुआ? ऐसा नहीं हुआ, ये हुआ कि ऐसे लोग आए, दो लड़कियां थी तो वो आई, आपने वो एक कैरेक्टर किया था नेगेटिव था, हमें आप बहुत बुरी लगी थी, दिल चाहा था आपको ना बस आप जहां भी मिलेंगी ना तो आपको जो है ना पंच तो मारना है। नेगेटिव कुछ ज्यादा ही था। अच्छा। लेकिन आप तो बिल्कुल चेंज है, आप वैसी नहीं है, आप तो बिल्कुल मतलब ये हुआ था। ये होता है और हकीकत बात लोग ये सोचते हैं कि जी अगर कोई एक्टर जो है या एक्ट्रेस कोई नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है तो इट मींस कि वो अपनी लाइफ में भी ऐसे ही होंगे, ऐसे ही। और इवन हाँ मैं ये सोचती थी जब टीवी देखती थी, मैं कहती थी ये तो ऐसे ही होगा क्योंकि वो हमारे माइंड में वो कैरेक्टर बिल्कुल बैठ जाता था। बिल्कुल सही। अच्छा किससे इंस्पायर होकर आपने एक्टिंग शुरू की? मैंने बस टीवी देख के बचपन से ही, टीवी देख के, टीवी में कोई अच्छा नहीं लगता था, बस टीवी अच्छी लगती थी मुझे, करीना बहुत पसंद थी। इतना बड़ा नाम ले लिया, वो तो खुद की फेवरेट है, उनका कोई फेवरेट ही नहीं है, वो कहती है कि भाई मैं अपनी खुद फेवरेट हूँ। तो आपका कौन फेवरेट है ज्यादा? मेरी फेवरेट करीना है, मुझे उसका अच्छी लगती है, एक्ट्रेस बहुत है, माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। इसके अलावा पाकिस्तानी की अगर बात करें तो? अच्छा पाकिस्तानी, हाँ सही बात है, पाकिस्तानी में बहुत सारी अच्छी जा रही हैं। अभी एक है सना जावेद, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, हाँ वो भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। इसके अलावा एक्टर कौन पसंद है? एक्टर सलमान खान का नाम नहीं लेने ना मैं, क्योंकि लड़कियों का हमें सलमान खान नहीं, मेरा नहीं है वो फेवरेट, वो तो वैसे भी अब मतलब बस कर दें, अभी शाहरुख खान भी हो गया, कुछ नए लोग आने चाहिए, नए लोग आने चाहिए। बिल्कुल मुझे ना पाकिस्तानी एक्टर पसंद है, शान फिल्म स्टार, शान क्यों अच्छा लगता है? अच्छा एक्टर है वो, ज्यादा एक्शन मूवीज करते हैं इसलिए क्या? नहीं नहीं वो तो पंजाबी मूवी जो मूवीज उन्होंने की है उससे तो मतलब नहीं अच्छे लगते, लेकिन पर्सनालिटी और सारी चीजें उनमें बड़ी अच्छी हैं जो। अच्छा। हाँ मेरी उनसे मुलाकात समझ लें हुई है, बात तो नहीं की थी उन्होंने लेकिन वैसे ही मुलाकात हुई। जाहिर मैं वो बड़े दूर से देख के खुशी हो गई, हाय शान सामने आ गया बस बहुत हो गया है ना। अच्छा शान के अलावा अगर किसी की बात करें तो कौन अच्छा लगता है? मेरी फेवरेट है जी नूर, मेरी बहुत फेवरेट है, होस्ट बहुत अच्छी है और वैसे इंसान भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच जी, और आप भी बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे कि हमने एक सीरियल में साथ काम किया था तो बहुत अच्छा रहा था माशाल्लाह, बड़े फ्रेंकली होके काम किया था हम लोगों ने। अच्छा ये तो एक आपने कहा कि जी शान आपको अच्छा लगता है, ठीक है, शान के अलावा कोई अच्छा लगता है लड़कों में से कोई जिसके साथ आपने काम भी किया और बड़ा अच्छा फील हुआ? हमारे जो हमारे सिंध टीवी है, सिंधी मीडिया, उसमें सारे अच्छे एक्टर्स हैं, उनके साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा कौन सा फेवरेट? अच्छा सिंधी मीडिया की बात करें तो हैदर कादरी। हैदर का क्यों नाम लिया आपने? बहुत अच्छे एक्टर है, और एक जफर जिस्कान, हाँ वो भी बहुत अच्छा एक्टर है। हैदर कादरी नो डाउट माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड बहुत, और जो है अपना क्या कहते हैं एक अच्छे इंसान भी हैं, और हैदर कादरी जो वर्स स्टाइल जिसे एक अदाकार होता है ना वो है, और माशाल्लाह उनकी जो डायलॉग डिलीवरी होती है, इसके अलावा फेस एक्सप्रेशन वगैरह हो गए, माशाल्लाह नो डाउट कमाल होते हैं, बहुत अच्छा। और जो
सैटरडे जे डी जो कासो खैर सा हैदर कादरी साहब जन जी सिस्टर जी शादी उन के खोर सारी वादाई हु जन ए माशाल्लाह उन फर्ज पूरो कयो है तमाम घणी खुशी जी गाल है त ए जो कासो आवाज टीवी जी खास तौर ते आवाज शो जे प्रोग्राम जी पूरी टीम जी तरफा उन के मुबारकबाद हो जे लख लख वादाई हु जन ए अल्लाह पाक करे ताहा जी सिस्टर जी नई जिंदगी जी शुरुआत तमाम घणी सुठी थी हुंदी इंशाल्लाह ए जो कासो अल्लाह पाक कंदो के वो सदी जिंदगी ई खुशियों माणी दी रहंदी ए अल्लाह पाक उन के कामयाबी दींदो पंहिंजी ज़िंदगी उहो अञा वधीक सुठे तरीक़े सां गुज़ारींदियूं असांजी दुआ आहे असां दुआगू ऐं उन्हनि सभिनीनि जे लाइ ऐं ख़ासि तौर ते असां शामिल न थीजेगा इन जे लाइ बि माज़रत है न क्योंकि सैटरडे का दिन था और सैटरडे में बि ख़ैर जो है उहो बिज़ी थी ख़ैर ऐं सुठी ॻाल्हियुनि सां गॾु टाइम थी आहे जो कासो रिज़ सां ॻाल्हायूं था रिज़ छो त रिज़ चयो की हैदर कादरी सुठो लॻंदो आहे हैदर के साथ काम किया है रिज़ आपने बहुत काम किया उनके साथ अच्छा रिज़ नाम किसने रखा ये तो मैंने रिज़वाना उस्मान एक पूरा नाम बताया था रिज़ किसने नाम रखा रिज़वाना उस्मान जब मैं किसी को बताती थी मेरा नाम रिज़वाना है तो सब कहते थे रिज़वाना जैसे एक पुराने जमाने की कोई चूड़ीदार पजामा पहन के और बोलेगी आदाब है जी तो उस टाइप का लगा अच्छा तो हमारे डायरेक्टर है एहसन तालिश तो उन्होंने कहा कि इसको ना निक कर दो रिस कर दो तो रिज़वाना से फिर रिस बन गई अरे वाह जाना बुलाते हैं घर में मुझे जाना बुलाना हाँ जाना वैसे ये तो कोई और बुलाना बुलाए तो बात बन रही है लेकिन घर वाले ऐसे क्यों बुलाते हैं बस वो प्यार से बुलाते हैं सबसे ज्यादा कौन प्यार करता है घर में सबसे ज्यादा मेरी बड़ी सिस्टर प्यार करती है आप किस नंबर पे हैं सेकंड पे हैं थर्ड पे मैं सिस्टर्स में चौथे नंबर पे हूँ माशाल्लाह वैसे बहन भाइयों में कितने नंबर पे याद माशाल्लाह हद हो गई अपने बहन भाई भूल गए आठ बहन भाई हैं माशाल्लाह अच्छा तो चौथे नंबर पे हैं आप सबसे ज्यादा बड़ी सिस्टर प्यार करती हैं सिर्फ आपसे ही प्यार करती हैं दूसरों के साथ सबसे प्यार करती हैं सबसे प्यार बड़ी सिस्टर मेरी ऐसी है जैसे मेरी मदर है ना अच्छा हमें मदर से भी होता है इतना लेकिन जितना हमें बड़ी सिस्टर से होता है उतना मदर से इतना नहीं होता अच्छा ड्रेसिंग वगैरह आप खुद करती हैं या सिस्टर करती हैं बड़ी सिस्टर यकीनन मुझे ऐसा लगा कि आपकी सिस्टर ही करती होंगी जी मतलब मैं अच्छी नहीं कर सकती वो मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर काम कर रहा था कि रेस और ये सिलेक्शन नहीं कर सकती यार वैसे नहीं ऐसी कोई बात नहीं क्योंकि आप जिससे ज्यादा प्यार करते हैं ना और जो आपसे ज्यादा प्यार करता है वो कोशिश करता है जी ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट होना चाहिए और इसके ऊपर क्या सूट करेगा क्या नहीं करेगा वो बेहतर जान सकते हैं इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि जी आपकी ड्रेसिंग कौन करता है वैसे ये सवाल मेरी स्क्रिप्ट में नहीं था वैसे बहुत कुछ है जिसके बारे में हम फिर भी डिस्कस कर रहे हैं ना हम लोग हाँ इसीलिए लेकिन हकीकत बात भी है कि आप लाइवली बात करें ना बहुत अच्छा फील होता है बनिस्बत स्क्रिप्ट से क्योंकि स्क्रिप्ट आपको ऐसा लगता है कि जी ड्रामा चल रहा है और आप ड्रामा देख आप रहे हैं सुन रहे हैं ऐसे ही लगता है अच्छा खुद कभी खुद कोशिश की है डिजाइनिंग करने की या खुद कोशिश की है वो बस ऐसी डिजाइनिंग कोई मोती लगा लिया और बोल दिया कि मैंने डिजाइनिंग किया पूरे घर में वो कुर्ता लेके भागती रहती है मैंने और नजर भी नहीं आती किसी को हाँ क्योंकि एक ही तो वो मोती लगाया हुआ तो वो कहाँ से नजर आएगा जी इतनी बड़ी शर्ट में एक मोती एडी सुटी गाले सुटी गाले करना पर टाइम से ब्रेक जो बट ऑन द शॉर्ट कवर शॉर्ट ब्रेक तावन का है माउंट एंड्रयू डर के आगे जीत है ऐं जी टपाल मेज़बान चाहे भली करे आया ऐं जीअं त मेरे देश का बिस्किट गाला असांखे नए महिमान बि जॉइन कयो आहे नए महिमान ॾाढी ख़ूबसूरत आवाज़ रखंदड़ जी साइमन अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप ठीक ठाक यकीनन नींद में तो नहीं होंगे क्योंकि दोपहर हो गई है जी उठ जाए ठीक है वैसे आप नॉर्मली कितने बजे उठते हैं मैं स्कूल जॉब करता हूँ म्यूजिक टीचर हूँ माशाल्लाह अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है अर्ली इन द मॉर्निंग वैसे अर्ली इन द मॉर्निंग उठना कितना मुश्किल है जी सर्दियों में ज्यादा मुश्किल बहुत सर्दी लगती है और मजा तब हो जब आपका गीजर नहीं चल रहा और ठंडा पानी आ रहा हो फिर क्या करते हैं बस दिल तो नहीं करता लेकिन जॉब इज जॉब ये तो है जॉब से जो सेंसियर होते हैं वही कामयाब होते हैं अच्छा तो पहला सॉन्ग कौन सा सुनाएंगे आप हमें मैं आपको एक मेहदी साहब की मेहदी हसन साहब की एक गजल है जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं काफी फेमस वाह जी ठीक है जी तो
जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में तो सभी तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है, एक जरा सा गम दोहरा कभी हक है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है, प्यार का बनके निगेबान तुझे चाहूंगा, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में तो सभी अपने जज्बात नगमात रचाने के लिए, अपने जज्बात नगमात रचाने के लिए मैंने धड़कन बसाया है तुझे, एक जरा सा गम दोहरा हक है जिस पर मैंने वो सांस तेरे लिए रख छोड़ी है, प्यार का बन निगेबान तुझे चाहूंगा, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में। वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत गजल थी। वैसे मैं तो पता नहीं कहाँ पहुंच गई, मैं खुद मैं इसको देखती थी कहीं खो गई है, रिस वापस आ जाओ यार शो में बैठे मैं सेवन खो गई वाक्य में, बहुत अच्छा और इस एज में। हाँ, इस एज में वाकई में, क्योंकि मेहदी हसन साहब को अगर हम लोग कंपेयर करें तो वाकई में समन की एज बहुत ही छोटी सी है। वैसे समन माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सॉन्ग आपने गाया, उम्मीद है और भी गजल अच्छी अच्छी होंगी क्योंकि रिज हमारे साथ है और रिज बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कर रही है। अच्छा रिज, जैसे मैंने आपसे कहा कि जी हैदर कादरी के साथ आपने काम किया है, हैदर कादरी के साथ काम करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और जब आप किसी, वो हर किस्म की बात
करते हैं हैदर कादरी जो आर्टिस्ट हैं हमारे, सीरियस भी हो जाएंगे और मजाक भी करेंगे, फ्रैंक भी हो जाएंगे, और एक जैसे होता है ना एक भाई जैसी उनमें एक बंदे को वो भी नजर आती है, शफकत होती है, भाई की भी शफकत होती है, अब्बा की भी होती है, बिल्कुल बात है, क्योंकि आप जिस तरीके से प्यार करती है ना, और एक होता है कि रूडली समझाना, एक होता है प्यार से समझाना, तो बेहतर है कि आप किसी को रूडली बताएं, इससे अच्छा है आप उसको प्यार से समझाएं ताकि उसको समझ आ जाए कि जी वाकई में ये सही है और मैं गलत हूं। बिल्कुल। अच्छा कभी ऐसा लगा कि मैं अच्छा काम कर रही हूं और लोग जो है या डायरेक्टर साहब को मेरा काम पसंद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या मसला है इनके साथ? होता है ऐसा, होता है अभी होता है। कितनी बार हुआ ये? हमारे डायरेक्टर साहब है मुनव्वर सुमरो, वो उनके साथ कॉमेडी सीरियल करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो उनके साथ होता है, वो कहते हैं अच्छा उनके साथ वो कभी भी जो सीन करती है वो कहते हैं रिजवाना मजा नहीं है, ही है ना ही है कर, ही है ना ही है कर, फिर वो करती हूँ तो कहते हैं नहीं रिजवाना, तो उनके साथ होता है कि नहीं उनके साथ वो मतलब कंफर्टेबल, आप ऐसे कंफर्टेबल होती हैं आप, जी, मतलब सही कहती हैं जी मैं जो काम कर रही हूँ वो सही है, आपको लगता है ऐसा? नहीं, फुल कॉन्फिडेंस नहीं कि सही है, मैं उसको देखती हूँ फिर उसमें गलतियाँ देखती हूँ कि आगे ये वाली नहीं करनी गलती। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन सा कैरेक्टर करना अच्छा लगता है, सीरियस नेगेटिव या कॉमेडी? मुझे ना रोने धोने वाला बड़ा पसंद है, कि मैं कहती हूँ मुझे कोई ऐसा कैरेक्टर मिले ना जो बिल्कुल ही मिडिल क्लास से भी, वो होते हैं झोपड़ियों में रहने वाले जो बड़े बड़े चूड़े पहनती है, यार इसकी और मेरी टेस्ट कितनी मिल रही है। अच्छा ये वाकई में बहुत जबरदस्त। अच्छा कभी फकीर का कैरेक्टर किया? हाँ एक बहुत पहले किया था, बहुत पहले, वो भी एक सीन किया था। अच्छा कैसा लगा था फकीर बनके? अच्छा वो ये हुआ था कि ड्रामे में सीन था तो मस्जिद के बाहर वो कैमरा नहीं रखने दे रहे थे हमें। अच्छा। तो कैमरा छुपा के गाड़ी में मुझे बिठा दिया था, वो गेटअप करके और कपड़ा बिछा दिया था और मैं मस्जिद के आगे बैठ गई, जुम्मे का दिन था और बड़ी मुझे पैसे भी मिले उस दिन। कितने मिले थे वैसे? गिने थे 250 था। वैसे रिस अगर कितना कितने टाइम में 250 मिले? ये एक घंटे में। हाँ इतनी खूबसूरत कोई अगर फकीर नहीं देखेगा तो मेरे ख्याल से एक घंटे में 250 बहुत कम है यार। 250 है ना, एक घंटे में अगर पूरे दिन काउंट करो तो अच्छे पैसे बन जाते। अच्छा पूरे दिन में 12 घंटे होते हैं और 5 वक्त की नमाज होती है, तो आप इमेजिन करें कि 12 घंटे का अगर 250 रुपए लगाओ तो कितना हो जाएगा। अच्छा सफर गुजर हो जाए। अच्छा फिर उन पैसों का क्या किया था? वो पैसे डायरेक्टर साहब ने कहा कि तुम्हें तो मिल गया ना, तुम्हें जो शूट किया बस यही रखो और पैसे नहीं है। फिर मैंने वो फकीर को दिए थे जो वहाँ पे एक बाबा जी थे, मैंने उनको दिए थे। बहुत जबरदस्त जी। अच्छा आजा गालियों का नाम से प्रोग्राम में पर टाइम थी अब ब्रेक जो वोट ऑन शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। अजीन जैसा दावन कयो है माउंटेन ड्यूडर के आगे जीत है जी टपाल मेज़बान चाहे एक दफ़ो बीहर भलीकार ऐं जीअं त असां दावन कयो आहे मेरे देश का बिस्किट गाला मुंहिंजा फेवरेट बिस्किट है। रिज़ वैसे आप बिस्किट खाती हैं? हाँ खाती हूँ। कौन से खाती हैं? गाला। अच्छा गाला ना वैसे लड़कियों के तकरीबन ही फेवरेट है, मीठे मीठे बहुत है, लड़कियाँ खुद भी मीठी मीठी होती हैं। वैसे सावन जो है ना वो इससे मुत्तफिक नहीं है, तंज वाली स्माइल की है यूं करके है ना। ये माउंटेन ड्यू पीते होंगे ना इसलिए? हाँ पक्का। नहीं कोल्ड ड्रिंक में पीते ही नहीं। अरे यार ये फिर गलत बात है, तभी तो आप इतने कंफ्यूज है ना। सही कहा ना मैंने दिस, क्योंकि कहते हैं ना डर के आगे जीत है, तो अगर आप ड्यू पियेंगे तो आप में कॉन्फिडेंट आ जाएगा जी, डर के आगे फिर जीत भी है ना, गला भी खराब कर देगा। अच्छा हाँ आप बीइंग अ सिंगर तो जाहिर सी बात है इनको ख्याल करना चाहिए। अच्छा आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि लड़कियां मीठी मीठी होती हैं? थोड़ी सी। वो जब पैसे लगवाती है फिर नहीं लगती। हाँ सर जब शॉपिंग करवाती है ना, ये फिर जब जब कार्ड मांगती है लोड का है बस तब नहीं लगती, तब नहीं लगती है ना, ये हकीकत आते हैं। बैड एक्सपीरियंस है मेरा। जैसे देखिए बात सुने, हर लड़की एक जैसी नहीं होती और 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। नहीं, तो ये नेचुरल इफेक्ट है ना, ये तो अंदर होता है जैसे। यार इस बंदे को किसने बताया?
जरा बताओ जी, हम दो लड़कियां बैठी हैं, हमारी बुराइयां कर रही हैं आप यार। देखिए आप इतना तो ख्याल रखिए कि हम दो लड़कियां बैठी हैं यार, थोड़ा सा इतना बैड एक्सपीरियंस रहा है आपका, इसीलिए आप इस तरीके से कमेंट्स कर रहे हैं। तो फिर गाना भी तभी तो शुरू नहीं किया, जिंदगी में सभी प्यार की। वाह क्या बात है, पहला पॉइंट लिख दिया है बकायदा, सही कह रही हैं आप। वैसे इतना बैड एक्सपीरियंस होने के बाद अब कोई आसरा कोई उम्मीद है आपकी? नहीं। वैसे यार ऐसा भी नहीं होना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। ओके जी, इंशाल्लाह आप ट्राई करें, बेहतर से बेहतर होगा। आपके मोबाइल में बैलेंस आएगा फिर आगे, आप अच्छी सोच रखें आपके मोबाइल में, बल्कि मोबाइल ही अच्छा आ जाएगा जिसमें क्रेडिट ही क्रेडिट होगा, क्रेडिट एंड ही नहीं होगा मेरे ख्याल से पोस्टपेड से जो है ना, हकीकत बात है यार। चलो छोड़ो, लड़कियों को छोड़ो, लड़कियों को छोड़ो, बात खत्म करो, क्योंकि सामान जो है ना वो थोड़ा सा तंत वाले स्टाइल में करा यार, मेरा बैड एक्सपीरियंस है, मुझे पता है सारी कैसी होती है। वैसे हकीकत बात है यार, ये अच्छा टॉपिक है, एक टॉपिक से टॉपिक निकला है कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं वाकई में जिन्होंने ये सारी चीजें की हुई हैं, ठीक है, और उनका अफेक्ट जो होता है वो दूसरी लड़कियों पर पड़ता है। तो अब क्या समझती है कि वो जो लड़कियां करती हैं और लड़के ये समझते हैं कि जी सारी लड़कियां एक जैसी, तो आपके जहन में क्या आता है? मेरे जहन में ये आता है, वाकई इनकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ। मैं समझती हूँ आजकल के दौर में हम भी लड़कियां हैं, ठीक है, लेकिन आजकल के दौर में जितनी लड़कियां बुराइयां फैला रही हैं, जितनी वो तेज है, कर रही हैं आप, आप स्माइल कर रही हैं तो लड़कियां ज्यादा वो करती हैं बनिस्बत लड़कों के, उनका दिमाग ज्यादा इन चीजों में चलता है, बुराई वाली चीजों में, चलाकियों में। लड़कियां सीरियस नहीं होती, लड़के बेचारे वाकई हो जाते हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरे छोटे भाई के साथ भी हो चुका है। वाह जी, मतलब घर का मिसाल है, इसीलिए तो बेचारी दे रही है। वैसे हकीकत बात है रिस्क, ये आजकल का माहौल पहले ही होता था कि जी लड़के, अगर आप बैक पे जाए ना तो बहुत सारी ऐसी कहानियां आपको मिलेंगी जहाँ पे लड़के और लड़कियां एक दूसरे से वाकई में मोहब्बत करते थे और उन्होंने बहुत कुछ किया एक दूसरे के लिए। लेकिन आजकल का प्यार और आजकल का जो प्यार और मोहब्बत है वो एक टाइम पास, मतलब आप एक टाइम पे दो लोगों के साथ बात कर रहे हो, आप लोग एक टाइम पे तीन लोगों के साथ बात कर रहे हो, और आपको एक की कैटेगरी अच्छी नहीं लगती, आप फौरन से जो है एकदम से टर्न कर देते हैं। वो जैसे गाड़ी का टर्न नहीं मारती आजकल लड़कियां बेचारी, नई नई सीखी हुई होती है विदाउट इंडिकेटर, टर्न कर लिया और फिर जो हुआ देखा जाएगा। तो यही वाला सीन होता है जो नहीं करना चाहिए, हकीकत बात है कि करना भी नहीं चाहिए, गुनाह मिलता है यार बहुत जब ऐसे लोगों को दुख होता है वाकई में, कितनी बद्दुआएं निकलती होंगी दिल से, और वो लगती भी नहीं है लड़कियों को सावन जैसे यार नहीं लगती, हकीकत बात है नहीं लगती। खैर हम दुआ करते हैं कि लग जाए। चलें जी खूबसूरत सॉन्ग की तरफ चलते हैं, और सावन अभी कौन सा सॉन्ग सुनाएंगे आप हमें? अभी मैं एक और, बल्कि सारी जो बड़े सिंगर हैं वो मुश्किल हैं, फेमस सिंगर जितने भी हैं उन्होंने, तो एक और मुश्किल सिंगर गुलाम अली साहब की गजल दिल में एक लहर सी उठी है। बहुत जबरदस्त सॉन्ग है और बहुत जबरदस्त गजल है। एक बात, जब आपने एक इतना बैड एक्सपीरियंस रहा, इतनी बड़ी मुश्किल से आप निकल आए, लेकिन ये कोई मुश्किल नहीं है, अच्छे सिंगर तभी बने जी, बिल्कुल नहीं, अभी अच्छे तो नहीं, अभी तो सीख रहे हैं और एक्सपीरियंस करेंगे फिर और अच्छे से जाएंगे जी। दिल में एक लहर से उठी है अभी, दिल में एक लहर से उठी है अभी, दिल में एक लहर से उठी है भी, कोई ताजा हवा चली है भी, दिल में एक लहर से उठी है भी, शोर बरपा है खानाए दिल में।
एक लहर सी उठी है अभी। वक्त अच्छा लहर से उठी है अभी। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत बात एक जो मेरे जहन में आ गई, अगर आप पिछले मेलोडी सॉन्ग्स में देखेंगे, जो पिछले सॉन्ग्स की शायरी आप उसमें देखें, उसमें पूर्व उम्मीद होते हैं कि जी अभी ताज़ा हवा चली होगी और अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिससे आपको उम्मीद जाहिर होती है। और आजकल के सॉन्ग सुनो, बंदा वैसे ही सैड हो जाता है, उससे ज़्यादा सैड हो जाता है। तो पता नहीं क्या हो गया मेरे ऊपर। और अगर आप पिछले वाले सॉन्ग, हैप्पी एंडिंग नहीं होती, हमेशा ऐसी एंडिंग होती है कि हम सोचते हैं यार एंडिंग ऐसी ही होनी है, लेकिन हकीकत बात यह है कि अगर आप पूर्व उम्मीद रहेंगे तो आपकी हैप्पी एंडिंग ही होनी है और बहुत अच्छी। और पूर्व उम्मीद रहने से ये होता है कि आप, आपके लिए कुछ भी बेटर। फॉर एग्जाम्पल हम सामन की बात ले लेते हैं कि जिसे उन्होंने कहा कि ये बैड थिंग्स हुई आपके साथ, लेकिन कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके लिए और क्या लेसन सीखा आपने इस चीज में से। अब ये इमेजिन करो कि अल्लाह पाक ने जो भी चीजें आपके साथ की वो सिर्फ और सिर्फ बेहतरी के लिए थी। बिल्कुल, कि आगे चल के आप ये चीज समझ ये चीज है, हम हमारी लाइफ में काफी चीजें नेगेटिव हम समझते हुई हैं, वो हमारा एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल, मेरे साथ काफी, मैं भी ऐसे सोचती हूँ ये भी गलत है ये भी गलत, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक चीज, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं कभी भी अपने बंदे के साथ गलत नहीं करता, उसकी बेहतरी के लिए करता हूँ। अभी मेरे साथ भी एक्सपीरियंस, हर इंसान के साथ बैड एक्सपीरियंस रहते हैं, तो हम आगे जाके उनसे सीखते हैं कि यार हमने ये गलती है कि हमने ये नहीं करनी। और हकीकत बात, लोग चोट खाकर ही सुधरते हैं आगे चल के, और ठोकर जब लगती है तभी आपको अंदाजा होता है कि आप क्या चीज हैं। ठीक है, जिसे अभी जिसने बहुत अच्छी बात की कि इतना थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस हुआ है आपका, आप इतने अच्छे सिंगर बन गए। सोचिए ज्यादा होता तो और अच्छे सिंगर बन जाएंगे आप इंशाल्लाह। बन जाता है ना, क्या होता है जो डालो भट्टी में कुछ ऐसी सोना, हाँ नहीं क्या, मैं समझी नहीं आपकी बात, सोना कुंदन बन जाते कुछ ऐसे ही। अब जो रिस्क को भी पता है उसको भी साल दे रही है आवाज, बहुत अच्छी बात। अच्छा रिस्क, जब आपके साथ बैड थिंग्स होती है तो आप क्या सोचती है? मैं उस वक्त थोड़ा सा हो जाती हूँ कि यार ये गलत हो गया। अगर हम कहीं आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं, उनका थोड़ा एटीट्यूड ऐसा होता है, कुछ का बहुत अच्छा होता है, कुछ का बिल्कुल ही आप सोचते ही नहीं आई अच्छे होंगे या अच्छी होंगी, तो उस तरह नहीं होता। फिर आप उनसे अच्छी बात करते हैं लेकिन वो रिप्लाई नहीं आता, फिर आप फिर अभी मेरे साथ जो अगर कोई नई लड़की है तो मैं उसको बड़ा इस चीज को, क्योंकि मैं उसकी जगह अपने आप को रख के सोचती हूँ कि जब मैं नई आई थी तो मेरे साथ ऐसा होता था, तो मैं कोशिश करती हूँ सपोर्ट भी करूँ आने वाले जो लोग हैं उनको, और ताकि अच्छा बेहतर फील हो। अच्छा, जब आप नहीं आई थी तो तब आपको किसने सपोर्ट ज्यादा किया था? मुझे सपोर्ट तो काफ़ी आर्टिस्टों ने भाई, मैं जो हमारा ये सिंधी मीडिया है मुझे इससे बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। जो यहाँ के लोग हैं हमारे पूरे सिंधी मीडिया के, जितने हमारे चैनल्स हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने सब कुछ यहीं से सीखा और मैं सीख रही हूँ। मुझे जितना यहाँ मज़ा आता है काम करने का, कहीं नहीं आता, सबने मुझे यहीं से सपोर्ट किया। सही, आगे आपको कोई सपोर्ट नहीं करता। सही। अच्छा, सिंधी मीडिया में कौन सी फेवरेट एक्ट्रेस है आपकी? नूर।
कहीं आप किसी और नूर की तो बात नहीं कर रही है? मेरी फेवरेट एक्ट्रेस बहुत सारी हैं, सारी बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो अच्छी है थोड़ा थोड़ा दिमाग लड़ाना पड़ेगा, ब्रेक ले ले, ब्रेक में सोच के आप फिर बता दीजिएगा। नहीं नहीं अच्छी है, सारी अच्छी है। अच्छा, मतलब आपको किसके साथ काम करने में अच्छा लगा, बेटर फील किया आपने कि जी? मुझे नहीं, ज्यादा जो आपा है, एक मुझे आपा शनाज भट्टी जी हाँ, बिल्कुल आपा नशीनाज भी हैं, exactly, वो भी, और इसके अलावा आपा ममताज कवन है, आपा नजमा काविश है, नजमा काविश, बिल्कुल, इन सब के साथ काम करने में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी उस वक्त नई थी कि जब आप भी, आपका भी स्टार्ट था और मेरा भी स्टार्ट था, जो साथ साथ जैसे काम कर रहे थे हम लोग, तो ये माशाल्लाह बहुत ही सपोर्टिव और जैसे अच्छा एक एडवाइस देना, ड्रेसिंग कैसे करनी है ये बताना, तो अच्छा लगता था। अच्छा लगता है। और इसके अलावा जो एक्ट्रेस है, हैदर कादरी का नाम लिया आपने, नो डाउट बहुत ही कमाल है, और हमारे फैमिली मेंबर भी हैं, आप भी हमारे फैमिली मेंबर हैं, वो भी हमारे फैमिली मेंबर हैं। तो इसके अलावा, अच्छा, हैदर कादरी के अलावा कौन सा एक्टर आपको अच्छा लगता है? और उनके सीरियस कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, और उनके जो फादर है वो तो बहुत अच्छे एक्टर है, वो भी डायरेक्टर बहुत अच्छे। और तकरीबन सारे ही हमारे जो भी सिंधी मीडिया में लड़के काम कर रहे हैं या फिर लड़कियां काम कर रही हैं, अगर उनकी हम बात करें, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत ही टैलेंटेड है, और इसके अलावा बहुत अच्छी नाइस नेचर है, ये तो है। अच्छा, ड्रेस कौन सा फेवरेट कलर है जो आप ज्यादा पहनती हैं? मैं पहनती हूँ सारे फेवरेट कलर्स, तो लाइफ में कलर एक तो लड़कियां जो है ना कभी मानती नहीं है कि हमारा ब्लैक कलर जो है वो फेवरेट है। ब्लैक कलर नहीं है फेवरेट मेरा, पता है पहले था लेकिन अब नहीं है। मैं कहती हूँ सर खिलते खिलते कलर्स हो यार, अब लगता है एज का अफेक्ट हो रहा है। सही बोल सही कह रही हूँ ना मैं, जब 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 16 और 17 की उसमें थे तब ये होता था, पिंक कलर पसंद था, पिंक और जो जी ब्लैक पसंद है और ग्रीन पसंद है, ब्लू पसंद है, अब तो जो कलर टाइम पे मिल जाए वो अच्छा लगता है, हकीकत आ रही है। अच्छा, मतलब मोस्ट फेवरेट आप जो ज्यादातर आपके पास ड्रेसेस मौजूद हो? मुझे व्हाइट ऑफ व्हाइट, जैसे अभी मैंने वेयर किया हुआ, वही मैंने देख के समझ लिया था कि लगता है, क्योंकि एक्चुअली जब भी लड़की किसी शो में जाती है ना, आप उसको देखेंगे तो वो अपना फेवरेट ही कलर पहन के जाती है ताकि मैं अच्छी लगूं। वैसे ड्रामास में तो जाहिर सी बात है उनकी फॉर्मेट के साथ चलना पड़ता है, ऐसे ड्रेसेस होने चाहिए, लेकिन शो जो होता है वो वाइड होता है, जहाँ पे आप अपनी मर्जी से कपड़े पहन सकते हैं। नहीं जी, सामन से पूछते हैं, सामन आपका कौन सा कलर फेवरेट है? मुझे वैसे ब्लू कलर, ब्लू इस वजह से अल्लाह देख के कह रहे ब्लू। अरे हाँ, वैसे मैंने देखा नहीं, और वाकई में मैचिंग भी है, ये इत्तेफाक की बात है, कोई मिली भगत नहीं है हमारी। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। छुट्टी गाने से अगर टाइम से ब्रेक छोड़ा नुशाद कमर्शियल ब्रेक, लिसनर रहो द आवाज शो। दामन करवा है नेस्ले सेरेलक आई न खा अलावा माउंटेन ड्यू जी आई टपाल मेज़बान चाय आई जी मेरे देश का बिस्किट गाला जिते असा गड रिज भी हुई आई समन भी हो डी खोड़ सारी असान का सो क्लास वी वरती खिराने से छूँ था उन्होंने असा नए मेहमान भी जॉइन करी खूबसूरत आवाज़ रखा माशाला सिंगर इमाम दीन नूनारी साहब अस्सलाम वालेकुम ताकि भली कार चाहूँ था पेंजी प्रोग्राम द आवाज़ शो में वही मेहरबानी था असें प्रोग्राम में आयो रेज वैसे हमने उर्दू जो है वो गज़ल तो जो है सुनी ठीक है अब हम सिंधी में कुछ सुनते हैं नूनारी साहब बिल्कुल ठीक है जी तो पहले सॉन्ग तो असें कड़ो बुधाई उस्ताद बुखारी जो गज़ल है एकड़ो ठीक है बुखारी है
ہتڑے کیر دل برے دی دیر کبھی نہ قرب میں او بڈو تھو ونی اڈو ہلو آنا جان جان جانا جان جان جانا جان جان جانا جان جان جانا بڈو تھو ونی بڈو تھو ونی اڈو ہلو آنا جان جان جانا جان جان جانا جان جان جانا جان جان جانا ستارن کا ہر رات ستے رنگ اند لکھ کھا مانگنا تھو ستارن کا ہر رات جھر میرے چھنا تھو ستے رنگ اند لکھ کھا مانگنا تھو بنایا تھو تجھے بنایا تو تجھے کتھے لائے گانا جان جان جانا جان جان جانا جان جان جانا جان جان جانا بڈو تھو ونی جان جان جانا بڈو تھو ونی بدھی روبرو تھو سدائی سکا تھو سکی روز تو سکی روز تو لے بخاری لکھا تھو نواں گیت گانا نواں گیت گانا توانا ترانا جان جان جانا جان جان جانا جان جان جانا جان جان جانا جی بہت تمام خوبصورت غزل. اچھا رحیز آپ کو کیا اچھا لگ کون سے سانگز اچھے لگتے ہیں مجھے سندھی سانگز بہت پسند ہے اچھا بہت پسند کون سا سانگ زیادہ اچھا لگتا مجھے سب سے اچھا سانگ لگتا ہے
लाड़कण मां लडे वने कुछ ऐसे ही लाड़कण मां लडे वने ये कौन सा सॉन्ग है ये तो मैं पहली बार सुन रही हूं यार हुन्ने के चे मुसे यारी रखे न त लाड़कण मां लडे वने अच्छा ये वाला सॉन्ग हां ये बहुत अच्छा लगता है गाने में अच्छा सही है डायरेक्टर साहब ने बता दी कि ये कौन सा सॉन्ग अच्छा वैसे अब लाड़कण में रहती नहीं है तो फिर कैसे वो मतलब उसकी शायरी इतनी अच्छी है और उसमें म्यूजिक बड़ा अच्छा है शायरी वनी वनी भी तो गई है सुठी लगी के लाड़काने मारा ले वनी एक और भी है वो भी उसके मुझे पूरे वर्ड्स नहीं आते ना था काते सिंधी अलग ही जुबान सिंधी सुठी गाला इंडिया मां चाहिए हम के सिंधी में गाला है हाने हां चलो ठीक है ना नहीं नहीं ये तो फिर बड़ा वो उल्टे सीधे वर्ड हो जाते हैं कोई मसला नहीं हम तो आज आपसे बहुत कुछ बोल जाएंगे नो टेंशन एकड़ो गानो बियो आ न था काथे शक्कर काथे मोरो ये नहीं है न था काथे शक्कर काथे दादू दादू हाँ, हाँ ये गाना हाँ, ये गाना ये भी अच्छा लगता है चलो ये तो माशाल्लाह अच्छी सिंगर है हमारी उनकी आवाज बड़ी अच्छी है सॉन्ग्स भी जिनकी सिलेक्शन है वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं मुमताज मलाई साहब हाँ मुमताज उनका एक और भी गाना है वो इंग्लिश पे है जो हाँ वो जो कहते हैं हाँ ये मुझे भी सुना हुआ लेकिन अभी मेरे मुंह में नहीं आ रहा यार हाँ, वो जो हाड़े तो मुसा इंग्लिश में गला है हाड़े वरी जो हाँ, मुझे इंग्लिश में गला है सब कुछ मुझसे सीख और मुझे ही बोल रही है कि इंग्लिश में बात इंग्लिश में वो मुझसे ही अभी बात कर रही है हाँ, बिल्कुल सही हाँ यू भी गुड़ो सॉन्ग है सी रिजवाना आपकी टेस्ट बड़ी अच्छी है ना मेरे घर वाले कहते हैं जैसे मेरे अब्बा जैसे हैं अब्बा जान वो कहते हैं कि जब कोई ड्रामा मेरा चल रहा हो सिंधी कहते बेटा तुम मेरी बेटी हो मुझे कोई लफ्ज समझ भी नहीं आ रहा तुम सारी सिंधी बोल रही हो सिंधी में बोल रही हूं हां और घर में अभी इस आप सिंधी में क्यों नहीं बात कर रही यार अभी थोड़ी सी बात अच्छा पहले ना मैं इसका दुकान है एकड़ो जंगलो चवराई ना डडो सुटो जंगलो समझ गई रेस आप बोले डेडो डाडो डिंगो आए दे 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 क्या है डेडर डाडो डिंगो आए डेडर डाडो डिंगो डेडर डाडो डिंगो आए हां यार वेरी गुड बहुत जबरदस्त थी बहुत अच्छे से बोला वैसे पहले दे 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 करके उसका जो है मुझे ना मेरी फ्रेंड्स थी जब मैं ड्रामे सिंधी शूट करते हैं ना तो शुरू में हाँ। मेरी फ्रेंड्स होती थी जैसे हम लोग हैं फ्रैंक है तो मुझे कहते जाओ तुम बोलो डायरेक्टर को ये जाके लव्स बोलो ना अब उसका मतलब कुछ और ही होता था मुझे समझ में नहीं आती ये क्या मतलब मैं कहती थी सर ऐसी बात है कहते ये तुम क्या बोल रही हो मतलब इतना सर के ऊपर से गुजर जाती सर के ऊपर से गुजर जाती थी अच्छा सबसे मुश्किल क्या लगता है आपको वर्डिंग में वर्डिंग में मतलब हमारे सिंधी में मुश्किल छे के डे छे छे मतलब छोकरी हाँ छे छोकरी सही थी ठीक है डे 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 डेडर 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 कहते हैं मेरे डेडर भी बात वैसे वाकई में अच्छा दोडा 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 सही तो छे थी यार वाह बहुत जबरदस्त है लगता है सिंधी सीख जाए बड़ी अच्छी बोलती है सिंधी नो डाउट बहुत अच्छी बोलती है ऐसा नहीं सिंधी जो कारसूज ने जो कि तलफुज था वो जो ना ऐसा ही सिंधी बोली डाडी मिठड़ी आ डाडी मिठिया सबनी की अच्छी वेंदी आ लेकिन जो को थोड़ो तलफुज जो प्रॉब्लम हुंदो आ खास तौर ते ये है कि दूसरी लैंग्वेज वाले नहीं पहचान सके दूसरी जुबान वाले ये नहीं पहचान सकते कि ये हमारी जुबान वाला है या नहीं लेकिन सिंधी जो है वो फौरन से पता चल जाएगा मुझे लोग देखते ही बोलते हैं आप सिंधी हैं जैसे अजीब बात है सिंधी जैसे उर्दू स्पीकिंग है आप उर्दू स्पीकिंग वाले को कहते हैं सिंधी और मैं सिंधी हूँ मुझे कहते हैं तुम उर्दू स्पीकिंग हाँ ऐसा होता है कि ये मोहब्बत होती है ना हमें अपने लोगों से ये तो है कि मोहब्बत तो सबसे होती है लेकिन धोखा भी हो ही देता नुनारी साहब सासा सा कर बैठा उनसे पूछते हैं जी नहीं उनसे आप सिंधी में बात करेंगे कोई भी सवाल हाड़े में सिंधी मांग लाइन सिंधी में गलाई ना सी ठीक है अच्छा नुनारी साहब माशाल्लाह कितने टाइम खावटी सिंगिंग कर पता मुखे तकरीबन 15 साल थे अच्छा माशाल्लाह की का सिखिया वर्ती आ मुझे उस्ताद बरकत अली सही माशाल्लाह उनका सिखिया वर्ती हारमोनियम भी उनन खावन जान सिखियो हां बिल्कुल तमाम जबरदस्त अच्छा रियाज वगैरह करना है हां कितना टाइम रियाज करना है पर्यां तो बट घंटा कंदा सी हाने तो मुझे तबीयत थोड़ी सही है मतलब वक्त घट शॉर्ट करी छ तो रियाज जो हाने वरी मुक्तसर मुक्तसर अच्छा एक सिंगर जलाए मतलब एक गायक जलाए कितरो जरूरी आ के वो रियाज करे कितरो टाइम जरूरी आ वो जेत्रो भी टाइम है ना छ के दिंदो तो वो उन जलाए बेहतर आ बेहतर है सही ये फील्ड हुआ है जो इन के थोड़ा भी छड़े बिंदो सही तो वो पोते हले विंदो के सुरा ना सुर सुर सा जेत्रो भी लगाव रखंदो
त उहो उन सां जेतिरो जंहिंसां मोहबत माण्हू कंदो उहो उन जे वेझो ई वेझो ई रहंदो बिल्कुलु अच्छा हिकु सिंगर जे लाइ सुरनि खे सम्झणु केतिरो ज़रूरी आहे बसि सिंगर जेकॾहिं सुर खे सम्झंदो त सिंगर हूंदो सिंगर हूंदो तमामु सुठी ॻाल्हि अॼुकल्ह जेके सिंगर्स आहिनि अगरि असां उन्हनि जी ॻाल्हि कयूं त उन्हनि खे सुरनि जी मुंहिंजे ख़्याल सां ख़बर ई न हूंदी आहे स्केल जी बि ख़बर न हूंदी आहे कंप्यूटर सिस्टम निकितो आहे 15-20 दफ़ा उहो ॻाईंदा उन्हनि मां हिकु न हिकु दफ़ो त सही हूंदो बिल्कुलु उहो वरी हुनखे पंहिंजो मतिलबु उन्हनि जी वजह सां तव्हांजे मथां केतिरो असरु पियो आहे बसि असां बि ॻायूं पिया महफ़िलनि में प्रोग्रामनि में उहे बि ॻाइनि पिया रोज़ी हर कंहिंखे अलाह ॾिए थो सही हा ऐं अच्छा रिज़ ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई तव्हां रिज़ जेका सो बाक़ी सभु जेके बि आर्टिस्ट आहिनि उहे सिंगिंग जी तरफ़ आयूं आहिनि मतिलबु आर्टिस्टिक असांजी छोकिरियूं त तव्हां बि इरादो कयो आहे हा मां इहो सवाल हिन खां पुछणु चाहियां थी जेकॾहिं मुंहिंजी माफ़ी त जेको माण्हू मतिलबु जो कोई पैदा होता है ये ट्रैक चेंज कर लिया आपने ना तो मुंहिंजी आवाज़ जेका आहे सुठी न आहे सिंगिंग न ईंदी आहे त मां मतिलबु सिंगर बणे सिंगर ठही सघां थी हा मां कोई ब्लास्ट नहीं होगा हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं हम गानों को हाथ दे देंगे लेकिन आपका गाना जरूर सुनेंगे आज नहीं नूर कुछ और बोल दो ये कब उठा के बाहर रख के आ जाओ यहाँ से झाड़ू लगा दो पोछा लगा ये भी करवाऊंगी लेकिन पहले गाना जी आज आधा है तो जाज होगा वरना मैं कोई भी जो अच्छा आपका फेवरेट हो थोड़ा सा गुनगुनाए नहीं आता ना नूर ना मुझे डालो इसमें माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स बैठे हुए और मैं कैसे सिंगिंग करूं लेकिन ये भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए यार थोड़ा सा कोई सॉन्ग जो अच्छा लगता हो आपको वो गुनगुना के सुनाए नहीं यार इनसे गुनगुनवाए जो मेरा फेवरेट कोई चलिए बताए कौन सा सॉन्ग है आपका मैंने अभी वो से लाड़काने वाला तो नहीं आएगा लाड़काने वाला नहीं शाम जो ही पर हाँ जी वो हाँ। मेरा फेवरेट है हाँ। मेरा फेवरेट वो सुनेंगे लेकिन डायरेक्टर साहब से पूछेंगे क्योंकि अभी ब्रेक का टाइम करीब आने वाला है अच्छा तो रिस जरूर सुनवाऊंगी मैं क्योंकि ये मेरा भी सॉन्ग फेवरेट है और आपका भी यकीनन देखने वालों का भी यकीनन फेवरेट होगा अच्छा आपका भी अच्छा फिलिप आपको भी अरे वाह यार और समन आपका भी चलो सबका ही फेवरेट है तो सुनेंगे जरूर लेकिन ब्रेक का टाइम करीब आ गया अच्छा इसके अलावा कोई सिंगर जो आपका फेवरेट हो जिनको आप सुनती हो ज्यादा ज्यादा इंडियन सिंगर्स हैं अच्छे लेकिन मुझे अपने सिंधी सिंगर्स बहुत पसंद है हो जमालो अच्छा लगता है हो जमालो देखो खट्टी आई ओके इमेजिन कर रही थी कि मैंने कब इस सॉन्ग पे डांस किया था है ना हां सोच रही थी कब सुना भी कब था अदे यार अच्छा गाना है लेकिन अच्छा। सिंधी मुझे बहुत पसंद है पता नहीं वो सिंधी सॉन्ग्स में सुनते एक एनर्जी सी आ जाती है वो सुन के अच्छा जी अना वधिक जैसे गालू के नाच पर टाइम से ब्रेक चलो हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक मेरे ख्याल से माउंट एड्यूटर के आगे जीत है इनकी टपाल मेज़बान चाय मेरे देश का बिस्किट काला ढी सुी कचहरी हल पी पे प्रोग्राम में प्रोग्राम जो वक्त जो जल्दी जल्दी से खत्म थे रिस पता नहीं चला यार इतना टाइम गुजर नहीं पता चला मुझे वैसे देखने वालों को पता होगा जब ब्रेक आती है कितना गुस्सा आता है वैसे सेम गुस्सो असाके जैसे ब्रेक ही दिया क्योंकि फिर वो जो बातों में गेप आ जाता है ना फिर बहुत ही बुरा लगता है फिर मूड हैप्पी करने के लिए हमारे साथ समन बैठे हुए चलते हैं उनकी तरफ उनसे खूबसूरत सॉन्ग सुनते हैं अब कोई अगर आपका फेवरेट सॉन्ग हो तो आप बताएं नहीं साइमन मेरे ख्याल से बहुत बेस्ट सॉन्ग सारे बेस्ट ही है बेस्ट ठीक है लग जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो शायद फिर से जन्म में मुलाकात
रात हो ना हो लगे जागल के फिर हसरत हो ना हो शायद फिर से जर मुलाकात हो ना हो लगे जागल घड़ियां नसीब से जी भर के हम को देख लीजिए करीब से फिर आपके नसीब में ये रात हो से जन मुलाकात हो ना हो लग जागल वैसे वाकई में रिज ने बहुत अच्छा कि साइमन के सॉन्ग्स जो सिलेक्शन है वाकई कमाल है बहुत कमाल और बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग और बहुत ही ज़बरदस्त आपने गाया जी तो बस अन्य गालियों अन्या रह जी हुई हमेशा अन्य गालियों अन्या रह जी हुई छो तो जैसे ब छोकरियों मिलंदी हुई ना तो उन्होंने गालियों अन्या खुटी पवंदी हुई और खोड़ सारी गालियों करनी हुई हैं पर अनफॉर्चुनेटली वक्त जो वो साथ न ॾींदा वक्त कंहिं लाइ रुकंदो न आहे अच्छा रिज कोई मैसेज जो आपको आप देना चाहें सब लोगों को खासतौर पे जो न्यू टैलेंट आ रहा है हमारा न्यू टैलेंट जी बस यही है कि काम करें और जो अगर आपके सामने कुछ मुश्किलात हैं उनका सामना करें बहुत सारी मुश्किलात आती हैं हमें हर प्रोफेशन में मुश्किल कोई भी चीज़ इजी नहीं है कोई भी चीज़ इजी नहीं है और अल्लाह पे तवक्कल रखें अल्लाह ताला जो है हम जो नियत करते हैं मैं ये समझती हूँ जब अल्लाह ताला हम इस दुनिया में आते हैं ना जो भी ख्वाहिश करते हैं अल्लाह ताला उसको पूरी करता है लेट या जल्दी हो जाती है इससे पहले वो अपने बंदे को नहीं बुलाता अपने पास सारी ख्वाहिशात पूरी करके ही बुलाता है क्योंकि वो 70 माहों से बढ़ के प्यार करने वाला हमारा रब तो बस यही है कि बिल्कुल डिप्रेस ना हो कोई भी काम शुरू करें तो उसको एंड तक ले जाएं लेकिन आजकल लड़कियां बहुत कम करती हैं कि जी चलो ये काम स्टार्ट के लिए बीच में छोड़ दिया स्टडी को ही आजकल लोगों ने ऐसे ले लिया वैसे एक प्रोफेशन को चॉइस करते हैं कि जी मुझे ये बनना है ठीक है उसके बाद फिर उसमें जो भी मुश्किलात आती थी जो भी कुछ होता था वो उसको अचीव करते थे लेकिन अब थोड़ा बहुत मुश्किलात जब का सामना करना पड़ता है तो फौरन से हम लोग कहते हैं यार छोड़ दो ये नहीं होगा ये मुझसे नहीं होगा हां मुझसे नहीं होगा की करता हां ये चीज है अच्छा रिस ये सवाल तो मैं पूछना ही भूल गई जो मेरा फेवरेट है रिस अगर आज एक एक्ट्रेस ना होती तो क्या होती एज अ डॉक्टर इंजीनियर पायलट कमांडो टीचर होती या तो हाउस वाइफ ऐसा क्यों मतलब सारे जो दो चॉइस किए आपने टीचर भी बेचारी लेसी लेसी सी होती वो इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं होती और दूसरी हाउस वाइफ होती वो इसलिए टीचिंग मुझे बहुत पसंद थी बचपन में ना ऐसे स्टूल्स खाली रख के और ऐसे ही बस स्टूल्स कोई मारती रहती थी बचपन में ये अकेलेपन का मेरा ये खेल होता था भयानक टीचर बनने वाली है यार अब तो आर्टिस्ट बन गई हकीकत बात तो आर्टिस्ट ना होती तो हाउस वाइफ होती क्योंकि हमारे घर में ये होता है कि शादियां जैसे जल्दी हो जाती हैं तो फिर मैंने कहा नहीं मुझे काम करना है मुझे आर्टिस्ट बनना है तो फिर इसलिए वो उस चीज को मैंने थोड़ा सा वो कर दिया अच्छा फ्यूचर के क्या प्लान है कब शादी करेंगी कब शादी ये तो सवाल बनता है ना जब हाउस वाइफ बोला ही है तो फिर पूछ तो लूं हो जाएगी इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला ने चाहा तो बेशक आपका कोई इरादा नहीं है जी अभी करनी है अभी कुछ नहीं जब जब हो जाए ये क्या बात है जब हो जाए तो घर वाले तो चाहेंगे कल ही रिस्क की शादी हो जाए घर वाले तो बहुत कहते हैं घर वालों की वजह से ही करूंगी बाकी मेरी अपनी कोई वो नहीं है अरेंज होगी
अच्छा लव मैरिज में और अरेंज मैरिज में क्या फर्क है और कितना बिलीव रखती हैं लव मैरिज में? लव मैरिज में बिलीव रखती हूँ कि करनी चाहिए, लेकिन अरेंज में ज्यादा रखती हूँ क्योंकि जिस चीज में आपकी फैमिली आ जाती है ना वो चीज फैमिली के भी ठीक है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें वो बड़ा उसका सामना करना पड़ता है, लेकिन जो आप स्टेप अपनी फैमिली के साथ रह के उठाते हैं ना जिंदगी में उसमें कभी अफेयर नहीं होते। अच्छा तो आपने अरेंज करनी है या लव करनी है? अरेंज अरेंज करनी। लव तो हो ही नहीं सकता, आई डोंट थिंक ये लव होगा। लड़की है यार ऐसा नहीं करो, इसका दिल चेक करवाऊंगा बड़े काम भी सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है। अरेंज के बाद लव हो ही जाएगा ना। ये तो डेफिनेटली होता है कि आप जब अरेंज मैरिज होती है तो फिर जाहिर सी बात है कि जो एक अल्लाह की तरफ से एक रिश्ता बनेगा बनेगा, और जोड़ियां तो आसमानों में बनती है जी। हमारे क्या मजाल के हम बनाए। बहुत शुक्रिया, आज बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा नूर, थैंक यू सो मच जी शो में आने के लिए, और सैम आपकी बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आए। इंशाल्लाह ऐसे ही आते रहिएगा आप। ऐं नुराइश साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हांजे प्रोग्राम में लास्ट में तव्हांखां सॉन्ग ज़रूरु ॿुधंदासीं, त मां पंहिंजे पंहिंजे व्यूअर्स सां जेको आहे मोकिलाए वठां। महिमाननि सां त ख़ैरु मोकिलाए वरिता, इनशाला वरी सुभाणे मिलंदासीं नए महिमाननि सां गॾु। तेसीं ताईं मूंखे ॾींदा इजाज़त, अलाह हाफ़िज़। ऐं आख़िर में हीउ जेको सॉन्ग नुराइश साहब जेको ॻाईंदा उहो मुंहिंजे तरफ़ां सभिनी खे डेडिकेट, जेके बि असांखे ॾिसनि पिया, जेके बि जिते जिते असांखे ॾिसनि पिया उन्हनि जे लाइ, उन्हनि सभिनी खे डेडिकेट शाम जो ई पर ना असांजे जी। शाम थी सुरही पवे जे तू अची, सुबुह भी महकी पवे जे तू अची, आईनो भी थो लगे केडो दा, पवे जे तू अची, ओ शाम जो ही पहर नाव साजे कयो, शाम जो ही पहर नाव साजे कयो, कुछ तईदा कयो कुछ तईदा कयो, के तवाजो पयो प्यारा लगो दम्बनी दारा।